उत्तर प्रदेश के बांदा में न्यायालय के पास्को कोर्ट में आज एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को 20 साल की सजा और 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बदौसा थाना क्षेत्र में 14 जनवरी 2016 को दो युवकों ने 15 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था और दो दिन के बाद पुलिस ने लड़की को मानिकपुर क्षेत्र से एक अभियुक्त के साथ बरामद किया था तथा दूसरा आरोपी कोर्ट में हाजिर हुआ था। पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आज उसी प्रकरण में कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया है। मामला बांदा जनपद के पास्को कोर्ट से सामने आया है, जहां पर आज पास्को कोर्ट के न्यायाधीश अनु सक्सेना ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। 14 जनवरी 2016 की रात 8 बजे बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी नाबालिग लड़की को दो युवकों द्वारा अपहरण कर मानिकपुर ले जाया गया था, जिसका मुकदमा लड़की के परिजनों ने बदौसा थाने में दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने 16 जनवरी 2016 को मानिकपुर स्टेशन से लड़की व एक अभियुक्त पप्पू मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि दूसरा आरोपी राघवेंद्र उर्फ पप्पू मिश्रा फरार था। वह 13 जून 2018 को न्यायालय में हाजिर होकर जेल गया था। ये दोनों अभियुक्त पीड़ित के गांव के ही निवासी थे। आज पप्पू और राहुल नाम के इन अभियुक्तों को पास्को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस फैसले के बाद महिला सुरक्षा को लेकर अगर कहा जाए तो यह सजा न्यायालय द्वारा प्रस्तुत एक नज़ीर साबित हो रही है। पीड़ित परिवार को आज न्यायालय से न्याय मिल गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह ने इस प्रकरण में बताया कि शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान में एक बड़ी सफलता थाना बदौसा में 2016 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें पास्को एक्ट तथा SC/ST गैंगरेप पुलिस व अभियोजन कार्रवाई प्रभावी कार्रवाई द्वारा 20 वर्ष कठोर कारावास व 21,000 रुपये जुर्माना न्यायालय द्वारा लगाया गया है। आज एक सजा सुनाई गई है, किस तरह का मामला था और कितने साल की सजा हुई है और किस तरह का आरोपी था ये? क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला अपराध के मामलों में त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। उसमें थाना बदौसा का ये केस था। 14 जनवरी को एक बरछा गांव था बदौसा थाने के अंतर्गत, वहाँ के एक श्याम लाल ने एक अप्लीकेशन दिया कि उनकी पुत्री 8 बजे रात से गायब है। तो 16 जनवरी को पुत्री मानिकपुर रेल स्टेशन जो कर्मी पड़ता है वहाँ पर बरामद हुई। तो एक मुलजिम जो था उसका, तो मिश्रा जी एक पप्पू मिश्रा थे, दूसरे राहुल गुप्ता थे। तो एक तो भग गया राहुल गुप्ता, लेकिन राघवेंद्र उर्फ पप्पू मिश्रा ही पकड़ा गया, बच्ची बरामद हुई। उसके बाद FIR उन्होंने वादी मुकदमा जो श्याम लाल थे SC थे उन्होंने थाना बदौसा में एक मुकदमा कायम कराया। अब चूंकि एक मुलजिम भाग गया था तो इसका जो है इसका जो चार्जशीट जो लगी न्यायालय में, तो 4 महीने बाद चार्जशीट दाखिल किया, लेकिन मसरूफ़ी में राहुल गुप्ता की चार्जशीट दाखिल हुई। 13/6/2018 को वो पकड़ में आया, न्यायालय में हाजिर हुआ। इसके बाद 22/7 को उसका चार्ज बना, आरोप न्यायालय ने पेश किया दोनों का। 7 गवाह हमने पेश किए। आज माननीय न्यायालय में न्यायाधीश अनु को अनु श्रीवास्तव जी ने इसमें दोनों अपराधियों को 20-20 साल की सज़ा और 21,000 रुपये जुर्माना दोनों पर लगाया है। मैं समझता हूँ इस तरीके के अपराधियों को एक अपराधियों में एक अच्छा संदेश जाएगा, लोग अपराध के रूप से उन्मुख होंगे, हटेंगे। क्या नाम लिखते हैं, किस पद में? मैं कमल सिंह गौतम लोक अभियोजक पास्को के पद पर हूँ। आज शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान में एक जनपद बांदा पुलिस और अभियोजन को एक सफलता मिली है, जिसमें कि थाना बदौसा में पंजीकृत 2016 में एक गैंग रेप पॉक्सो तथा SC/ST का एक मुकदमा था, जिसमें कि पुलिस और अभियोजन की प्रभावी कार्रवाई द्वारा इसमें दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 21,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। ये एक बड़ी सफलता है। आगे भी जो है पॉक्सो के एक्ट मामलों को हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हुए इसी तरह हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे कि लगातार इनमें कठोर सजाएं होती रहें।
विद्यार्थी।